आपने बाबर आजम को सिखाया, उन्हें स्टार बनाया, ऐसी क्या वजह थी आप जो है वो रेडी लगाने पर मजबूर हुए? क्रिकेट बिल्कुल बंद हो गई, मैदान बंद हो गए, घर बैठना पड़ा, बच्चे पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बाबर आजम की तरफ से आपसे उन्होंने कोई रब्ता किया? अभी तक तो नहीं किया बाबर आजम को रब्ता मुझसे। बाबर आजम ने आपसे रब्ता किया और बड़ी भारी रकम आपको दी? वो सारी जिंदगी खबर है, कोई रब्ता नहीं, कुछ नहीं दिया गया। लाहौर कलंदर वालों ने आपसे रब्ता किया, क्या बात है? मैंने आरके साहब को मैसेज किया है व्हाट्सएप पर, जब उधर बुलाया है मुझे इस वक्त क्रिकेट के मैदानों में बाबर आजम के चर्चे हैं। उन्हें पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज माना जा रहा है, और जहां पर उन्होंने नाम कमाया है वहीं पर जो दौलत की देवी है वो भी उन पर मेहरबान है और हर तरफ उन पर पैसों की रेलबेल हो रही है। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि जिसने बाबर आजम को स्टार बनाया वो खुद एक कसम कुर्सी की जिंदगी गुजार रहा है, यानी कि जो बाबर आजम के कोच थे जिन्होंने बाबर आजम को सिखाया वो खुद एक गुमनामी की और कसम कुर्सी की जिंदगी गुजार रहे हैं, और उनकी कसम कुर्सी का आलम यह है कि वो रेडी लगाने पर मजबूर हो गए थे। तो मेरे साथ आज बाबर आजम के कोच राणा सादिक साहब मौजूद हैं, इनसे हम ये जानेंगे कि ये रेडी लगाने पर क्यों मजबूर हुए और क्या इसके बाद बाबर आजम ने इनसे कोई रब्ता किया, और इसके अलावा ऐसी बातें इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो आप पहले नहीं जानते। राणा साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने बाबर आजम को सिखाया, उन्हें स्टार बनाया, तो ऐसी क्या वजह थी कि आप जो है वो रेडी लगाने पर मजबूर हुए? नहीं, वो उसमें है कि रेडी लगाए थे इसलिए बड़ी लॉकडाउन हो गया था, ठीक है, ग्राउंड बंद हो गए थे। मैं लाहौर में दो क्लब चला रहा था, गुलाम का जबर ममूरियत और बच्चों को सिखा के मेरा अच्छी मतलब गुजारा हो रहा था। क्रिकेट बिल्कुल बंद हो गई, मैदान बंद हो गए, घर बैठना पड़ा, तो बच्चे पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सही है। और रही बात बाबर आजम की, बात यह है कि वो असल में जो है ना मुसलमान स्कूल था लोअर मार्ग पे, उस पर खेलता, जिसके जो हेड कोच थे ना मामा यूनस साहब मरहूम थे, मैं उनका असिस्टेंट रहा हूँ मामा जी का। बात यह कि उस दौर में जितना वो मेरे सारे मामा जी उन्होंने बताया, हम भी बाबा कुछ बताया। सही है। कि उस उम्र में जितना बताया उसको, ठीक है। राणा साहब आपकी बात सही है कि लॉकडाउन हुआ और उस वजह से आप मुतासर हुए, लेकिन वहीं पर वो सारे क्रिकेटर्स भी हैं, उन्होंने भी लॉकडाउन फेस किया लेकिन उनकी जिंदगियां तो वैसे ही आलीशान तरीके से चलती रही। हम मुझे ये बताएं कि जब ये खबर चल गई कि आप रेडी लगाने पर मजबूर हो गए हैं, तो उसके बाद बाबर आजम की तरफ से कोई आपसे उन्होंने कोई रब्ता किया? नहीं, अभी तक तो नहीं किया बाबर आजम को रब्ता मुझसे। ठीक है, ठीक है। लाहौर कलंदर वालों ने किया था, ठीक है, आखिर वे साहब ने रब्ता किया, उसके अलावा किसी ने किया, ठीक हो गया। तो इसके बाद लाहौर कलंदर वालों ने आपसे रब्ता किया, तो क्या आपकी बात तय हुई? क्या उन्होंने अपनी टीम में कोई कोचिंग के लिए आपको बुलाया? क्या बात तय हुई? वो आखिर कॉल आई थी मुझे चांद रात को, जो ईद उल फितर की चांद रात थी ना, ठीक है, उस साल कॉल आई थी कि जी हम आपको लोकंदर में जॉब देंगे, ठीक है, अंडर एज बच्चों की कोचिंग के लिए, ठीक है, अंडर 16 के लिए, बस वो बात हुई। अभी इसके बाद रब्ता करेंगे, उसके बाद कोई रब्ता नहीं हुआ। लॉकडाउन के दिन तो हमें रब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा कि भी लॉकडाउन चल रहा है, जैसे ही हाई परफॉर्मेंस सेंटर खुलता तो आपको बुलाते हैं, ठीक है। तो उस बात का कितना अरसा गुजर गया है, दोबारा उनकी तरफ से कोई रब्ता नहीं हुआ या आपने उनको अप्रोच नहीं किया? जी, मैंने लास्ट ये परसों जब सभी मैंने लिखी है लोकतंत्र, ठीक है, तो मैंने आके सबको मैसेज किया है व्हाट्सएप पर, ठीक है, कि आके भाई बहुत मुबारक हो अपनी टीम फाइनल में आ गई है, ठीक है, और 5 साल के अरसे के बाद मैंने किया आपने, सही, तो ये मैसेज किया तो उधर पाया है मुझे। अच्छा। उन्होंने कहा जी राणा साहब बहुत शुक्रिया, आप बेफिक्र हैं, आप मेरे मुझे याद हैं, अभी तक हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं खुला, जैसे खुलते तो हम आपको बुलाएंगे जरूर। अच्छा राणा साहब, मैं दोबारा उस तरफ आऊँगा कि जब ये खबर चली तो बाबर आजम ने तो डायरेक्टली आप बता रहे हैं कि उन्होंने रब्ता नहीं किया, तो कोई ऐसा मिडल मैन जिसने ये जारी बात है उन्होंने ये खबर तो सुनी होगी, तो कोई ऐसा मिडल मैन जिसने बाबर के जज्बात आप तक पहुँचाए हों या आपकी तरफ से उधर कोई बात कही हुई हो? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई भी नहीं बीच में आया, कुछ नहीं, कोई रब्ता नहीं हुआ। उनके जो छोटे भाई हैं वो भी क्रिकेट खेलते हैं, उनके साथ कोई बात हुई आपकी? कोई नहीं, क्योंकि वो उधर होते हैं मॉल्टो वगैरह में, मैं इधर होता हूँ कासम में, तो विंडो पार्क था तब वहाँ खेलते थे, ख़त्म हो गया है, तो वो आगे चले गए, उसके बाद तो कोई रब्ता नहीं। अच्छा राणा साहब, मुझे ये बताएं कि हमने YouTube पर कुछ वीडियोस भी देखी कि बाबर आजम ने आपसे रब्ता किया और बड़ी भारी रकम आपको दी, वो क्या किस्सा है, उसमें क्या हकीकत है?
नहीं जी वो सारी जुड़ी खबर है, कोई रब्ता नहीं, कुछ नहीं दिया गया। वो आपने खबर देखी है वो जो YouTube पे लगी है? हाँ जी मैंने भी देखी है और मैंने वो खबर सुनी भी है और कई लोगों ने मुझे मुबारकबाद भी दी है कॉल करके। अच्छा। और काफी लोगों ने कहा कि बहुत मुबारक हो आपको, ये हुआ वो हुआ, और मैं लोगों क्या जवाब देता था, मैंने मोस्टली क्या कर दी। आपने उनको बताया नहीं कि ये मतलब? नहीं मैं बस क्या, असल में बाबर आजम जो बच्चा है ना, खुद बेसिकली जो मैं कहूँगा वो ग्रेट बच्चा है, बचपन से जानते हैं, स्टार्ट करने वाला बच्चा है। बस वो लास्ट मुलाकात जो मेरी हुई है उससे, वो जब अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आया था एलसीसी ग्राउंड में हुई थी, ठीक है, तब वो मिला था मुझे बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है, ये तब। लेकिन मैं आपके सामने वो कोचिंग कर रहा था, ठीक है, मुझे किसी जरूरत नहीं थी ना कोई प्रॉब्लम थी, वो मिला वैसे हम मिले, बस ये हुआ। ये तो ये कोरोना की वजह थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, कोचिंग ग्राउंड बंद हुए तो मुझे काम करना पड़ा, तो मैंने तो कोई कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मैंने हमेशा जो है ना अल्लाह पे तवक्कुल रखा है और अपने बाजुओं पर, कि अल्लाह ने मुझे खुद मेहनत करके मैं कमाना जानता हूँ, बच्चों को खिलाया भी अपने बाजुओं के तौर पर खिलाया है बनाया है, तो इसलिए मैं किसी के आगे जाके ये नहीं कह मैं मुझे कुछ दे या मैं नहीं कह सकता। तो अभी आपका कैसा सेटअप चल रहा है आजकल, क्या महसूस किया? अभी फिर दोबारा जो है ना क्लब शुरू हुए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सर्कल अल्लाह का शुक्र बेहतर हुआ है, क्रिकेट शुरू हुई है, मैच वगैरह हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह दे रहे, लेकिन वो चीज़ नहीं है, गुजारा हो रहा है। अच्छा राणा साहब, बिल्कुल आखिर में मुझे बताइएगा कि ये हमारा कितना बड़ा तजाद है कि एक तरफ वो स्टार है जो करोड़ोंपति बन जाता है, आलीशान महलात में रहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, फार्म हाउसेस बनाता है, पूरी दुनिया में घूमता है, लेकिन एक तरफ आप जैसा आदमी जो ये स्टार्स बनाता है, जो किंग मेकर है, जो स्टार मेकर है, उसकी जिंदगी इतनी कसम कुर्सी की होती है कि वो रेडी लगाने पर मजबूर हो जाता है, वो अपने बच्चों की तालीम अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मुझे बताएं कि क्या आपके जज्बात होते हैं और क्या आप ये नहीं समझते कि ये जो हमारे तजाद है, कोई ऐसा कानून पाकिस्तान में आना चाहिए कि जिस कोच का स्टूडेंट क्लिक कर जाए उसके मुआवजे में से उसको भी कुछ परसेंट मिलना चाहिए ताकि उसकी जिंदगी भी उसके बराबर ना हो लेकिन एक स्टैंडर्ड लाइफ तो वो गुजार सके? देखिए बात इस तरह है कि ये तो हमारे पाकिस्तान की पुरानी रीत है। मैं आपको मिसाल दूंगा, मामा जी तो मामा जी, ठीक है, जो मेरे उस्ताद हैं और उन्होंने तो पाकिस्तान को लातदाद टेस्ट प्लेयर दिए हैं, ठीक है, अहमद शहजाद है, तौफीक उमर है, अब्दुल रजाक है, इमरान नज़ीर है, उससे पुराने पर सलीम मलिक आ जाता है, फिर आमिर सहेल है, उसके बाद इरफान फाजिल है, काफ़ी नाम है जो मैं मुझे याद भी नहीं है। लातदाद उन्होंने टेस्ट प्लेयर पैदा किए और लातदाद जो उन्होंने फर्स्ट क्लास प्लेयर पैदा किए, और वो जब इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, जब वो फोत हुए हैं, ठीक है, उनके जनाजे का ये आलम था कि कोई एक भी स्टार वहां पर मौजूद नहीं था, ठीक, और वो ऐसी हालत में कंपल्सरी के आलम में फोत हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। और तब मैं सोच रहा था कि यार इस बंदे ने पाकिस्तान कितने स्टार दिए, हम तो किसी चीज में आते ही ना, ठीक है, हम तो बहुत छोटे हैं उनसे, वो तो बहुत बड़ा नाम था मामा जी, उनकी मतलब सीखा हुआ हम आज को थोड़ा बहुत लोग जानते हैं, या हमने बाबर को, या इसके अलावा और मेरे पर काफ़ी स्टूडेंट हैं जैसे शाहरुख चान है, मीर सईद है, ये राजा फैजान पी एस एल इस टाइम लाहौर के अंदर खेल रहा है, ठीक है, ठीक है, आगा सलमान खेला है पी एस एल, वो मेरे अंदर खेला है, उससे अंतरत अनानी मेरे अंदर खेला है, हम तो बहुत छोटे हैं। मामा जी एक बड़ा नाम था, टेस्ट प्लेयर भी है, मैं बता रहा हूँ, सलीम मलिक जैसे, शफकत राणा, शकूर राणा, सब मामा जी के अंडर खेले हैं। जब वो इंसान इतना बड़ा कोच फोत हुआ है तो उसकी जनाब एक स्टार नहीं था, हम तो बहुत पीछे हैं फिर। तो राणा साहब मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा तजाद क्यों है, कि ऐसा क्यों होता है कि वो जो जो किंग मेकर है वो कसम कुर्सी में मरता है और वो जो वो स्टार है वो आलीशान जिंदगी गुजारते हैं? वजह ये है ना, तो इसमें असल में बात ये है, जो हमारा ये माहौल बदलेगा कैसे, ये तो अब जो हुकूमत है या क्रिकेट बोर्ड वाले हैं उनको सोचना चाहिए। हमारा सेक्टर ही ऐसा है के नीचे अब क्लब है, बच्चे जो नया आता है तब तो क्लब ही में आती है ना, अगर क्लब नाम ना भेजे बच्चे का अंडर 16 में तो वो आगे कैसे जाएगा, जब क्लब बनाती है तो डिस्ट्रिक्ट में भेजती है, जब रीजन में आता है तो फिर एनसीए को जाके देते हैं, सारा कैडेट को ले जाते हैं, ठीक है ना, असल मतलब ये वजह है। बनाने वाला कोई है जो बच्चे को ग्रास लेवल से अंडर 16 में लेके आता है, जब वो अंडर 16 डिस्ट्रिक्ट खेलता है तो रीजन में आता है ना, तो रीजन में एनसीए को जाते हैं लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तो उनको चलाया जाए,
और असल में जो देखा जाए तो ये 10-15 साल हुए ये लेवल पर निकले हैं, उससे पहले कौन से लेवल थे? जिन्होंने वसीम अकरम पैदा किया, सलीम मलिक पैदा किया, जवेद मियां पैदा किया, इंतजाम मुल्क पैदा किया, सरफराज नवाज साहब पैदा किए, माजिद खान, तब तो कोई लेवल नहीं था ना, तब ये क्लब क्रिकेट ही थे, जो तजर्बा था क्लब से खेले वही सिखाते थे बड़े, जैसे ताया असलम साहब यूनिवर्सल के, उन्होंने देखे मुंबई यूसफ है, अजहर अली है, अजहर खान, ठीक है, और वो मसूद साहब थे, मतलब फजल महमूद साहब यूनिवर्सल के प्लेयर हैं, तब कौन से लेवल थे? बस ये थोड़ा सा फर्क है, बोर्ड जो है ना जो लेवल आगे हैं उन्होंने फर्क डाल दिया है। सही राणा साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये राणा साहब का बड़ापन है कि आज भी उनकी ज़ुबान पर कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। आज जो इनके स्टूडेंट्स हैं वो बड़े बड़े नाम हैं और बाबर आजम तो पूरी दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज माना जा रहा है और उनका मुकाबला जो है विराट कोहली से होता है। लेकिन ये बहुत ही हमारी ये हुकूमत की कमज़र्फ़ी है कि हमें इस माहौल को बदलना चाहिए कि जहाँ स्टार्स की ज़िंदगियाँ इतनी आलीशान होती हैं, ये जो लोग, ये जो स्टार मेकर हैं, ये जो किंग मेकर हैं, अब जितने नाम इन्होंने गिनवाए हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें 92 का वर्ल्ड कप दिया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हुआ, इज्जत हुई। लेकिन ये जो किंग मेकर हैं, इनकी आप जिंदगियां देखें कि वो एक कसम कुर्सी की जिंदगी गुजारते हैं, उनके बच्चे कसम कुर्सी की जिंदगी गुजारते हैं और फिर इसी तरह वो गुमनामी में दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि इस माहौल को बदला जाए। और नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोज के लिए हमारे चैनल RP Productions को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।